मूवी की शुरुआत में एक व्यक्ति नशे की हालत में पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वह पुलिस को बताता है कि उसका नाम सुब्रमणि है और वह एक नॉवेल राइटर है। वह पुलिस को बताता है कि वह काल्पनिक कहानियां लिखता है जो बाद में सच हो जाती हैं। उसकी कहानी के सभी किरदार वास्तव में इस दुनिया में होते हैं और वो जो लिखता है वह वही करते हैं। वह पुलिस को बताता है कि उसने जल्द ही एक कहानी के माध्यम से एक मर्डरर को पकड़वाया। अब उसका साथी उसे फोन कर धमकी दे रहा है। पुलिस उसकी बात को मजाक में लेती है, फिर भी पुलिस वाला उसकी कंप्लेन ले उसे जाने को कहता है। सुब्रमणि अपने घर जाता है और ड्रिंक करता है, फिर वह लिखना शुरू करता है। इधर एक लड़की किडनैप हुई होती है। वह किडनैपर से बचकर भागती है और कॉल करती है, कॉल नॉट रीचेबल जाती है। इधर देखने को मिलता है कि राइटर सुब्रमणि ने भी कहानी यहीं तक लिखी हुई है। फिर वह ड्रिंक करता है और आगे लिखता है। इधर किडनैपर्स लड़की को दोबारा पकड़ लेते हैं। राइटर ये लिखने के बाद सो जाता है। तभी उसके मोबाइल पर कॉल आती है जो रिंग होकर बंद हो जाती है। अगली सुबह पुलिस सुब्रमणि के पास आती है। पुलिस सुब्रमणि को बताती है कि एक लड़की ने रात को बताया कि उसे कुछ लोगों ने किडनैप किया है। उसने तुम्हारा नाम और पता बोला, इसके बाद कॉल कट हो गई। वो लड़की तुम्हें कैसे जानती है? सुब्रमणि कहता है, मुझे लगा आप मुझे प्रोटेक्शन देने आए हैं, पर आप तो किसी किडनैप लड़की के बारे में पता करने आए हैं। सुब्रमणि कहता है, एक मिनट, आपने पूजा नाम बताया ना? मैं रात को एक कहानी लिख रहा था जिसमें पूजा का तीन लोगों ने किडनैप किया है। इसके बाद लाइट कट हो गई और मैंने लिखना बंद कर दिया। ये कहकर सुब्रमणि पुलिस को लिखी हुई कहानी दिखाता है। पुलिस इंस्पेक्टर पूजा और तीन लोगों के बारे में पूछता है। सुब्रमणि कहता है, मुझे नहीं पता। पुलिस उसे जबरदस्ती अरेस्ट कर ले जाती है। बाहर लोग ये देख पुलिस को ऐसा करने से रोकते हैं। कुछ लोग इसका वीडियो बनाते हैं। तभी वहाँ एक व्यक्ति खुद को मीडिया का बताता है। वह पुलिस को अरेस्ट वारंट दिखाने को कहता है। पुलिस के पास अरेस्ट वारंट नहीं होता और भीड़ को देखते हुए पुलिस राइटर सुब्रमणि को छोड़कर चली जाती है। अगले सीन में डीजीपी आशा प्रमोद दिखती हैं, जो सुब्रमणि और पुलिस का वायरल वीडियो देखती है। आशा उस क्षेत्र के पुलिस एसीपी को डांट लगाती है कि ये बेवकूफी दोबारा ना हो। इधर न्यूज पर भी ये खबर चलती है। आशा पुलिस इंस्पेक्टर को बुलाती है जो आशा को सारी बात बताता है। आशा कहती है कि वो मजाक कर रहा है, कि उसके लिखे हुए किरदार वास्तव में हैं। इंस्पेक्टर डीजीपी आशा को बताता है कि किडनैप लड़की ने उस राइटर का नाम लिया था, इसलिए मैंने उसे कस्टडी में लेने की कोशिश की। आशा उस लड़की की कॉल रिकॉर्डिंग सुनती हैं, तभी उसे लड़की की आवाज पहचानी हुई लगती है। लड़की कहती है, तीन लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, ये इमरजेंसी है, मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ। ये सुनने के बाद आशा पीए से कहती है, पूजा को कॉल करो, वह घर पर है या नहीं। फिर वह पूजा के दोस्तों से पता करवाती है, पर पूजा का पता नहीं चलता। डीजीपी आशा कहती है, ये मेरी बेटी पूजा की आवाज है। वह इंस्पेक्टर को कहती है, जाओ उस राइटर सुब्रमणि को अरेस्ट करो। डीजीपी संदिग्ध लोगों को पकड़ने को कहती है। इंस्पेक्टर मीडिया के सामने ही सुब्रमणि को अरेस्ट करता है। पुलिस सुब्रमणि को पुलिस स्टेशन ले जाती है। न्यूज चैनल्स पर ये बात फैल जाती है कि डीजीपी की बेटी मिसिंग है। डीजीपी का पीए उन्हें बताता है कि पूजा ऑफिस से पार्टी के लिए निकली थी। तभी डीजीपी को सीएम का कॉल आता है कि ये मामला मीडिया में ज्यादा ना फैले कि तुम्हारी बेटी मिसिंग है, इस मामले को सावधानी से निपटाओ। राइटर को छोड़ दिया जाता है। डीजीपी राइटर सुब्रमणि से मिलने उसके घर जाती है। वो सुब्रमणि को बस देखती है, फिर कांस्टेबल से ये कहकर कि इस पर नजर रखना, वह वहां से चली जाती है। बाहर मीडिया के पूछने पर वह कहती है कि मेरी बेटी मिसिंग नहीं और मैं सुब्रमणि से माफी मांगने आई थी। ये कहकर डीजीपी लौटती है और अपने पीए से कहती है कि राइटर के पास एक साइकेट्रिस्ट भेजो। इधर डीजीपी एक ऑफिसर कल्याण को कॉल कर उससे एक अंडरकवर ऑफिसर की मांग करती है, जो उसकी बेटी पूजा को ढूंढ सके और ये बात किसी को पता ना चले कि उसकी बेटी पूजा मिसिंग है। डीजीपी आशा कल्याण से कहती है कि मैं इस स्टेट के ऑफिसर्स को यूज नहीं कर सकती, ये मेरा पर्सनल मैटर है। कल्याण कहता है, मैं बेस्ट ऑफिसर को भेजता हूँ। डीजीपी के पूछने पर पीए बताता है कि राइटर सुब्रमणि को यहाँ आए 6 महीने हुए, उसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं मालूम। कांस्टेबल डीजीपी के पीए को कॉल कर बताता है कि राइटर ने लिखा है कि डीजीपी आशा, जिसे सेफ्टी ऑफ वुमेन कहा जाता है, अपनी बेटी को खो दिया और अब विक्रम कुमार नाम के ऑफिसर का इंतजार कर रही है। आशा तुरंत कल्याण को कॉल कर ऑफिसर का नाम पूछती है, तो वह बताता है कि मैंने विक्रम कुमार को आपके केस में हेल्प के लिए भेजा है। इधर विक्रम कुमार आता है, जो देखता है कि डीजीपी के पीए के कहने पर पार्टी में डीजीपी की बेटी पूजा के साथ जो लड़के थे उन्हें पुलिस पीट रही है।
विक्रम कुमार उनसे पूछताछ कर उन्हें जाने देता है। इधर साइकेट्रिस्ट राइटर के दिमाग का चेकअप करता है। विक्रम डीजीपी से मिलता है और बताता है कि आपके पीए ने सब कुछ बताया है, ये किडनैपिंग पैसों के लिए नहीं हुई है, कुछ तो गड़बड़ है। डीजीपी विक्रम को पूजा के केस की फाइल देती है। विक्रम कहता है मैं अपने तरीके से काम करूंगा, मुझे असिस्ट करने के लिए 2 ट्रेनी, 1 गाड़ी, 1 पिस्टल और 1 सेलफोन चाहिए। आशा पीए को कहती है इन्हें जो चाहिए वो दे दो। साइकेट्रिस्ट कॉल कर विक्रम को बताता है कि सुब्रमणि का माइंड शार्प है और उसके अंदर भविष्य को समझने की शक्ति है। विक्रम अपने 2 असिस्ट में एक को पूजा की पार्टी वाली जगह, दूसरे को पूजा के ऑफिस में जांच के लिए भेजता है। विक्रम पीए के मोबाइल से कांस्टेबल से कहता है राइटर पर नजर रखना और वो कुछ भी लिखे तो मुझे इन्फॉर्म करना। विक्रम पूजा के ऑफिस में जाकर सीसीटीवी फुटेज चेक करता है और वह पूजा के साथ उसकी 2 सहेलियों को देखता है। फिर वह पूजा की 1 सहेली रम्या से मिलकर पूछताछ करता है। रम्या बताती है कि पार्टी के दिन किशोर ने बताया कि वो एक लड़की से शादी करने वाला है। तभी पूजा का एक अनजान व्यक्ति से झगड़ा हो गया और उसका मूड खराब हो गया, फिर वह अकेले ही पार्टी से निकल गई। विक्रम पूजा की दूसरी सहेली अनीता से मिलना चाहता है। रम्या कहते हैं मैं अभी उसे कॉल करती हूँ, ये कहकर रम्या बाहर चली जाती है। तभी कांस्टेबल विक्रम को कॉल कर बताता है कि राइटर ने लिखा है कि विक्रम आईटी ऑफिस में रम्या से पूछताछ कर रहा है, उसे पता चल गया कि पब में क्या हुआ था। रम्या ने अनीता को कॉल किया, वो जिस कार में आ रही है उसका नंबर है TN21BA1488। अनीता ने बताया कि वो पूजा का इंतजार कर रही थी और उसने उसे कॉल किया, पर पूजा का फोन स्विच ऑफ आ रहा था, तो अब वो कैब से आ रही है। रम्या विक्रम के पास उसे ये बताने जाती है। कांस्टेबल कहता है कि यहीं तक लिखा है सर। विक्रम कॉल कट कर देता है। तभी रम्या विक्रम से आकर बताती है कि अनीता कैब से आ रही है। विक्रम के पूछने पर रम्या बताती है कि कैब का नंबर है TN21BA1488। विक्रम चौंक जाता है। विक्रम कांस्टेबल को कॉल कर कहता है कि राइटर का रूम, बाथरूम सब चेक करो, मुझे लगता है कि राइटर से कोई बाहर से कांटेक्ट कर रहा है। कांस्टेबल सब जगह चेक करता है। फिर वह विक्रम के कहने पर राइटर का कान भी चेक करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता है। इधर विक्रम अनीता से पूछताछ करता है। अनीता बताती है कि पब में पूजा का एक लड़के से झगड़ा हुआ, फिर मैं और पूजा घर के लिए निकले, फिर वो लड़का जिससे झगड़ा हुआ उसने हमारा थोड़ी देर पीछा भी किया, फिर वह नहीं दिखा। पूजा ने मुझे मेरे घर छोड़ा और चली गई। विक्रम अनीता से उसके घर का एड्रेस लेकर अपने असिस्ट को वहां भेजता है कि इस एड्रेस के पास जाओ। अनीता के जाने के बाद विक्रम किशोर से पूछताछ करता है। किशोर बताता है कि मेरे दोस्त से पूजा का झगड़ा हुआ था। विक्रम कहता है उसने पूजा का पीछा भी किया। इस पर किशोर कहता है कि रवि सीधा साधा लड़का है और पार्टी से निकलने पर एक ही रास्ता है, वह पीछा नहीं कर रहा होगा। विक्रम के पूछने पर किशोर बताता है कि रवि 2 पार्ट टाइम जॉब भी करता है, लेकिन रात में इस हंगामे के बाद वो नहीं दिखा और उसका फोन भी स्विच ऑफ है। विक्रम उससे रवि का एड्रेस मांगता है, पर किशोर के पास एड्रेस नहीं होता है। इधर विक्रम का असिस्टेंट विक्रम को कॉल कर बताता है कि पूजा की कार लोकेशन पर मिल गई है, वो भी अनीता के घर से कुछ ही दूरी पर। विक्रम वहां पहुंचता है और ठीक से जांच करता है तो देखता है कि कार पंचर है। वह देखता है कि कार को जानबूझकर पंचर किया गया है। विक्रम को पता चलता है कि उस एरिया में चेक पोस्ट नहीं है और पूजा की कार को डाइवर्ट कर पंचर किया गया और फिर किडनैपिंग की गई। इधर डीजीपी आशा राइटर को धमकाती है कि मेरी बेटी को कुछ हुआ तो वो किसी को नहीं छोड़ेंगी। राइटर कहता है कि अगर ये मेरे लिखने से हो रहा है तो मैं नहीं लिखूंगा। इधर विक्रम का असिस्टेंट अनवर कॉल कर विक्रम को एक क्राइम स्पॉट पर बुलाता है, जहां वह विक्रम को बताता है कि यहां पूजा के कुछ सामान बरामद हुए हैं। विक्रम के पूछने पर अनवर बताता है कि यहां 1 साल पहले एक लड़की का बलात्कार हुआ था जिसका नाम जन्नी था। विक्रम को कॉल कर कांस्टेबल बताता है कि आशा मैडम राइटर से मिलने आई हैं। आशा राइटर से रिक्वेस्ट करती हैं कि मेरी बेटी के बारे में बता दो, अगर पैसे चाहिए तो ले लो, मैं तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचाऊंगी। राइटर लिखना शुरू करता है। 3 लोग मास्क पहने हुए एक पुल पर 23 वर्षीय लड़की की लाश ब्रिज पर लेकर जाते हैं और आसपास देखने के बाद लाश को पानी में फेंक कर चले जाते हैं। आशा विक्रम को कॉल करके उसे आने को कहती है। विक्रम भी उस जगह पहुंचता है। इधर गोताखोर ढूंढ कर बॉडी को निकालते हैं। आशा बॉडी देखती है पर ये उसकी बेटी नहीं होती है। विक्रम राइटर के घर जाता है। वह गुस्से में राइटर को लात मारता है कि ये हमें बस भगा रहा है। वह आशा से कहता है आप चाहती हैं मैं इससे बात करूं? आशा विक्रम को समझाती हैं कि उससे आराम से बात करो। विक्रम राइटर को वार्निंग देता है कि तुम्हें वही लिखना है जो होगा, अभी लिखो। राइटर कहता है मैं तभी लिखूंगा जब फील करूंगा। थोड़ी देर बाद राइटर लिखता है।
इधर एक ड्राइवर पुलिस स्टेशन पहुंचता है और पुलिस को बताता है कि मैं एक कैब ड्राइवर हूं। सर, मैं यात्री लड़की को लेकर जा रहा था, तभी एक BMW कार ने मेरे साइड मिरर को टक्कर मार दी। मैं जब उनसे इसकी वजह पूछने गया तो उन्होंने मुझे घायल कर दिया और उस लड़की को जबरदस्ती अपने साथ ले गए। कांस्टेबल उसे कंप्लेन लिखने को कागज देता है, तभी एक कांस्टेबल के कहने पर वह ड्राइवर कार को हटाने चला जाता है। इधर ये बात विक्रम पढ़ रहा होता है। सभी पुलिस स्टेशनों को सूचना दी जाती है कि किसी लड़की की मिसिंग का केस मिले तो बताएं। उन्हें एक स्टेशन से सूचना मिलती है, सभी वहां पहुंचते हैं। विक्रम पुलिस स्टेशन का CCTV फुटेज देखता है जिसमें वह लड़का कार से आता है और उन्हें पता चलता है कि जैमर का इस्तेमाल हुआ है। उस लड़के ने टेबल के पास एक कागज रखा है जो फटा हुआ होता है। विक्रम देखता और बताता है कि ये कंप्लेन एक साल पहले की गई है। विक्रम के कहने पर कांस्टेबल उस कंप्लेन को पढ़ता है जो एक साल पहले की गई थी। मेरा नाम रवि है, मैं एक कैब ड्राइवर हूँ। मैंने आज एक यात्री लड़की को कार में बैठाया। जब मैं रास्ते में जा रहा था तभी एक BMW कार से टक्कर हो गई। मैं जब आगे बढ़ा तो वो दिखे, मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मेरी पिटाई की। तभी लड़की उन्हें रोकने गई तो वो उसे अपने साथ ले गए। मैं उसे बचाने में नाकाम हो गया और कंप्लेन कर रहा हूँ। इधर PA आशा को देखता है। विक्रम रजिस्ट्रेशन ऑफिस से कैब ड्राइवर रवि का फोटो मांगता है। थोड़ी देर में उसे फोटो मिलता है। वह थाने के कांस्टेबल से पूछता है क्या यही आया था। इस पर कांस्टेबल बताता है हाँ। आशा फोटो देखती है और कहती है सवाल ही नहीं उठता, ये कभी नहीं आ सकता, ये इम्पॉसिबल है, कोई चांस नहीं उसके जिंदा होने की। विक्रम कहता है इस ड्राइवर का, कार का, आपकी बेटी का और आपका कुछ तो कनेक्शन है, इसलिए आप राइटर के यहाँ गई थी। अगर आप इस केस के बारे में कुछ जानती हैं तो अच्छा होगा आप बता दें। ये कहता है कि पूजा के लिए ही सही, विक्रम सर को बता दीजिए। विक्रम आशा से कहता है कि अगर आपको मुझ पे भरोसा नहीं तो अब मैं पूजा को ढूंढने का काम नहीं करूंगा। इस पर आशा का PA बताता है कि एक साल पहले कैब ड्राइवर रवि पुलिस स्टेशन आया और बताया कि एक लड़की को 4 लड़कों ने किडनैप किया और उसे BMW कार से लेकर चले गए। वो घबराया हुआ था। कांस्टेबल ने उसके कंप्लेन को लिखा और कार की चाबी ले ली और उसे वहीं बैठाया। ड्राइवर पूरी रात बैठा रहा। वहीं किडनैपिंग वाली लड़की बेहोशी की हालत में किडनैपिंग से कुछ दूर मिली। उसके साथ गैंगरेप हुआ था। उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उस समय आशा मैम कमिश्नर थीं। उन्होंने मीडिया को बताया कि घटना की जगह 4 लोग थे, जल्द ही उन्हें पकड़ लिया जाएगा, लड़की की कंडीशन अब ठीक है। तभी हॉस्पिटल में आशा मैम को केंद्रीय मंत्री का कॉल आया कि मेरे बेटे सिद्धार्थ का नाम नहीं आना चाहिए, इसके बदले मैं आपको कमिश्नर से DGP बनवा दूंगा। आशा मैम ने सोचने का समय मांगा। फिर अगले दिन वह लड़की मृत हो गई। मैडम ने मीडिया को बताया कि जन्नी मृत हो गई है, 4 आरोपी पकड़े गए हैं, उनका इनकाउंटर होगा। मैम रवि को लेकर उस जगह गई जहां क्राइम हुआ था। वहां मिनिस्टर के बेटे सिद्धार्थ के तीनों फ्रेंड्स थे। मैडम ने एक एक कर तीनों को गोली मार दी। फिर उन्होंने रवि को भी गोली मार दी और रवि को गैंगरेप का मुख्य आरोपी बता दिया। विक्रम आशा को निराश होकर देखता है। आशा कहती है ये सब चलता है, मैं नहीं करती तो कोई और करता। विक्रम कहता है अब मुझे समझ में आ रहा है कि सारी चीजें कनेक्ट हो रही हैं। पूजा का जहां किडनैप हुआ वहां से वो BMW गाड़ी गुजरी। उस लड़की का जहां गैंगरेप हुआ था वहां से पूजा की कुछ चीजें मिली हैं। रवि जिसका इनकाउंटर हुआ था उसने भी यही बयान दिया है और पुलिस थाने के कैमरे से छेड़छाड़ हुआ है। कोई तो प्लान कर रहा है, बीते हुए कल को दोहराया जा रहा है। बस एक बात समझ में नहीं आ रही कि मरा हुआ इंसान कैसे कंप्लेन दे सकता है। विक्रम PA से इस केस की सारी डिटेल्स मांगता है। तभी आशा को चीफ सेक्रेटरी की कॉल आती है और वह चली जाती है। विक्रम पुरानी केस फाइल चेक करता है। विक्रम का असिस्टेंट कॉल पर उसे बताता है कि सिद्धार्थ BMW कार से चेन्नई बेंगलुरु हाईवे पर जा रहा है। वह विक्रम को कार का नंबर बताता है। विक्रम कांस्टेबल को कॉल कर पूछता है कि राइटर क्या लिख रहा है, तो कांस्टेबल बताता है कि वो लिख रहा है कि सिद्धार्थ चेन्नई बेंगलुरु हाईवे पर है। विक्रम उसकी तरफ बढ़ रहा है। विक्रम पूछता है कि उससे पहले उसने क्या लिखा है। कांस्टेबल बताता है कि PA ने इनकाउंटर की बात विक्रम को बता दी। विक्रम कहता है ठीक है। विक्रम रवि के कंप्लेन में दिए एड्रेस की मदद से रवि के घर की जांच करता है। फिर वह BMW कार की लोकेशन से उस जगह जाता है। वहां एक व्यक्ति विक्रम पर हमला करता है। फिर BMW कार विक्रम पर हमला करती है। विक्रम कार से सिद्धार्थ को बाहर निकालता है और पूजा को बचाता है। वह देखता है कि सिद्धार्थ नशे की हालत में है। विक्रम पूजा को PA के साथ हिफाजत से घर भेजता है। फिर वह BMW कार को चेक करता है। वह एक IP एड्रेस पाता है जिससे हैकिंग हो रही थी। वह IP एड्रेस के लोकेशन वाले घर पर जाते हैं और दो व्यक्तियों को अरेस्ट करते हैं। वह रवि के जुड़वा भाई को बोलता है कि तुम्हारे राइटर आदमी ने यह नहीं लिखा कि मैं रवि के लाइसेंस एड्रेस पर गया था, क्योंकि ये बात मैंने किसी को नहीं बताई थी। तुम उसे तुरंत बता देते अगर मैंने किसी को बताया होता।
मैंने सोचा सिद्धार्थ कार को ऐसे कैसे घुमा सकता है, वह भी बेहोशी की हालत में। लेकिन कार तो तुम्हारे कंट्रोल में थी, अब तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, आगे क्या होता है मैं बताऊं? इधर राइटर दिखता है जिसे विक्रम कहता है, विक्रम कुमार जिसने पूजा और सिद्धार्थ को बचाया और रवि को इनकाउंटर में मार गिराया जो इन सबके पीछे था, ये भी लिख लो। ये सुन राइटर सुब्रमण्य चौंक जाता है और लेफ्ट ईयर में लगा हुआ हेडफोन चिप फेंक देता है। अगले सीन में विक्रम आशा से उसके घर जाकर मिलता है। विक्रम बताता है कि रवि का जुड़वा भाई राहुल इन सबके पीछे था, उसने ही राइटर सुब्रमण्य को सेट किया था। आशा गुस्सा होती है कि पूजा की किडनैप में उन्होंने सिद्धार्थ और उसकी कार का इस्तेमाल किया और मुझे शहर भर दौड़ाया। तुम एक काम करो, तुम मेरे लिए सिद्धार्थ, राहुल और सुब्रमण्य तीनों का इनकाउंटर कर और उनकी बॉडीज डिस्पोज कर दो। विक्रम कहता है ठीक है, लेकिन इन सब के पीछे मुझे लगता है कोई और ही मास्टरमाइंड है। इसके लिए जरूरी है कि आप मुझे सारी बात बताइए। एक साल पहले जब लड़की का रेप हुआ, हॉस्पिटल में शाम में बताया गया कि उसकी हालत बेहतर है, लेकिन अगले दिन वह मर गई। इस पर आशा कहती है कि कुछ भी मत कहो, अगर वो बच भी जाती तो उसकी जिंदगी कैसी बन जाती, वो एक नॉर्मल फैमिली लाइफ नहीं जी पाती। मैंने उसे इस बेरहम दुनिया से एक शांति वाली जगह पर भेज दिया है, मैंने उस पर रहम किया, तुम नहीं समझोगे। विक्रम कहता है ठीक है मैडम, पॉइंट की बात पर आते हैं। आपने उस लड़की को इसलिए मरवा दिया क्योंकि आपको डर था कि वो मिनिस्टर की बेटी की सच्चाई सबको बता देगी, लेकिन कोई और भी था जिसे ये सच्चाई पता थी और वही है इन सबके पीछे का मास्टरमाइंड। आशा चौंक जाती है। विक्रम कहता है कि जन्नी का एक बॉयफ्रेंड था, वही है मास्टरमाइंड, उसी ने राइटर और राहुल का इस्तेमाल किया। मैं उसे पकड़ने के बहुत करीब हूँ, मुझे बस 24 घंटे दीजिए, मैं उसे पकड़ लूंगा। आशा कहती है जब वो मिले तो उसका भी इनकाउंटर कर देना। विक्रम कहता है अगर मैं सिद्धार्थ को उसके पिता को जिंदा सौंप दूं तो वो मुझे कमिश्नर बना देंगे। आशा कहती है कि तुम उसे मार दो, मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगी जितनी तुम पूरी जिंदगी सर्विस करके भी नहीं कमा सकते। विक्रम तैयार हो जाता है। अगले सीन में विक्रम एक सुनसान जगह पर सिद्धार्थ, राहुल और सुब्रमण्य को लेकर जाता है। विक्रम राइटर सुब्रमण्य से कहता है कि मैं तुम्हें बेवकूफ लगता हूँ जो यकीन कर लेता कि तुम जो लिख रहे थे वही हो रहा था। विक्रम राहुल से कहता है कि तुमने केस को वैसा ही बनाया जैसा रवि का केस था, तुमने सब कुछ प्लान कर ऐसा दिखाया जैसा एक साल पहले हुआ था। तभी विक्रम को सिद्धार्थ के पिता का कॉल आता है जो कहते हैं कि किडनैपर्स का इनकाउंटर कर मुझसे मिलो। सुब्रमण्य विक्रम से कहता है कि अपने बेटे की मौत की खबर पाना काफी तकलीफ भरा था, एक कांस्टेबल ने मेरे बेटे की मौत की खबर दी और उसके सामान के साथ कंप्लेन वाला कागज दिया जो कई टुकड़ों में था। धीरे धीरे मुझे समझ में आ गया कि मेरे बेटे की हत्या की गई है। फिर मेरे दूसरे बेटे राहुल के कहने पर मैंने अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए सब किया। राहुल कहता है कि कंप्लेन के कागज से समझ में आया कि आशा ने सिद्धार्थ को बचाने के लिए रवि का इनकाउंटर किया। फिर मैंने दोस्तों के साथ मिलकर 6 महीने तक प्लान बनाया कि कैसे इस सच्चाई को सबके सामने लाया जाए। फिर हमें पता चला कि सिद्धार्थ ड्रग्स का आदी है। फिर हम पब में सिद्धार्थ से क्लोज हुए और ड्रग्स की मदद से उसे किडनैप किया। पब की पार्टी में मैंने पूजा से जानबूझकर बहस किया जिससे सबका ध्यान मुझ पे आ गया। हमने पूजा की कार को पंचर किया, मेरे दोस्तों ने उसकी मोबाइल छीन ली, फिर मेरे दोस्तों ने पूजा को उसी कार से किडनैप किया जो सिद्धार्थ की थी। मैंने ही अपने पिता को जानबूझकर पुलिस स्टेशन भेजा। हमने जानबूझकर पूजा के पास मोबाइल छोड़ा जिससे वो कंट्रोल रूम को कॉल कर सके। मैंने मॉड्यूलेटर के प्रयोग से मेरे पिता सुब्रमण्य का नाम और एड्रेस बोला जिससे पुलिस उनके पास जाए। जैसा सोचा था मीडिया का ध्यान इस केस पर आ गया। हमने ये सेट कर दिया कि जो भी ऑफिसर ये केस ले बग वाला फोन उसे ही मिले। जब भी मेरे पिता पर शक हुआ हमने ध्यान भटका दिया। कांस्टेबल ने जब उनका कान चेक किया उन्होंने वह डिवाइस निकाल ली थी। फिर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन की घटना को फिर से दोहराया गया। हमने ये सब इसलिए किया क्योंकि रवि और उस लड़की को न्याय मिल सके। मुझे लगा मैं डीजीपी की बेटी को किडनैप कर लूंगा तब उसे इस दर्द का एहसास होगा। सब कुछ वैसा ही हुआ पर आपने हमें पकड़ लिया। तभी आशा को उसका पीए कॉल कर बताता है कि न्यूज चैनल देखिए। आशा टीवी ऑन करती है जिसमें वह देखती है कि मीडिया को उसकी सारी सच्चाई पता चल गई है। उसके और विक्रम की बात की वीडियो फुटेज मीडिया के पास है। न्यूज एंकर रवि को निर्दोष बताती है और बताती है कि फेक इनकाउंटर में वह मारा गया।
आशा तुरंत विक्रम को कॉल कर कहती है कि तुमने ये बात मीडिया को क्यों बताई, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। विक्रम कहता है, मैंने कहा था मैम, मेरे खुद के कानून हैं। वैसे मैंने उस मास्टरमाइंड की लोकेशन भेज दी है। आशा एक व्यक्ति को कॉल कर उस लोकेशन पर भेजती है कि पता करो वहाँ कौन है। इधर विक्रम राहुल और सुब्रमणी को छोड़ देता है और कहता है, जाओ सब कुछ भूल जाना। सिद्धार्थ राहुल से कहता है कि तुम उस लड़की के क्या लगते हो जो तुमने ये किया, हस्बैंड, भाई या बॉयफ्रेंड। सिद्धार्थ उस लड़की जन्नी के बारे में गलत बात करता है। तभी विक्रम जीप को पीछे करता है, फिर वह सिद्धार्थ को जीप की टक्कर से मार डालता है। विक्रम काफी गुस्से में दिखाई देता है। इधर आशा को कॉल आती है कि मैम, मैं विक्रम कुमार हूँ, मुझे ऑर्डर था कि मैं 2 दिन बाद आपको कॉल करूँ। आशा चौंक जाती है। तब उसे पता चलता है कि नकली विक्रम कुमार ही मास्टरमाइंड था। फिर देखने को मिलता है कि नकली विक्रम कुमार अरुण है, जो जन्नी का बॉयफ्रेंड होता है। दोनों जल्द ही शादी करने वाले होते हैं। इधर जन्नी फ्लाइट से अपने घर के लिए निकलती है, फिर वह कैब से जाती है और ये घटना हो जाती है। हॉस्पिटल में अरुण उससे मिलने जाता है, जहां उसे एक लेडी डॉक्टर बताती है कि जन्नी ठीक हो जाएगी। फिर अगले दिन उसकी मृत्यु हो गई। वह नर्स से पूछता है तो पता चलता है कि कमिश्नर मैडम ने चीफ डॉक्टर के साथ मिलकर जन्नी को अलग वार्ड में रखा था, फिर वो मृत हो गई। अरुण आईपीएस की ट्रेनिंग छोड़ देता है यह जानने के लिए कि जन्नी के साथ क्या हुआ। फिर वह कॉल टैप करता है, जिसमें वह आशा को एक ऑफिसर की मांग करते हुए सुनता है। फिर वह पुलिस ऑफिसर बनकर असली विक्रम कुमार को कुछ दिन बाद रिपोर्ट करने को कहता है और विक्रम कुमार बनकर आशा से मिलता है। इधर आशा की बेटी अपनी माँ की सच्चाई जानकर उससे नाराज हो जाती है। थोड़ी देर बाद आशा रूम में जाती है और आत्महत्या कर लेती है। इधर अरुण जन्नी की फोटो के सामने होता है और उसे श्रद्धांजलि देता है। दोस्तों, यहीं पर ये मूवी समाप्त हो जाती है।